सफाई कर, सफाई करने वाला कैसे सफाई कर रहा है आप देखिए। कार्यक्रम तो उनका बन गया नया, पर उस कार्यक्रम बनने के बाद भी उसके ऊपर कोई केयर नहीं हो रही। आप प्रोपेगंडा बना रहे मैडम, ना प्रोपेगंडा बना रहे हो, नेट पेट में आ रहे हैं प्रोपेगंडा, मतलब सरकार की बदनामी कर रहे हो आप। करोड़ों रुपए लागत से फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बनाए गए स्वच्छ भारत मिशन के शौचालयों का निरीक्षण करने फरीदाबाद नगर निगम की मेयर सुमन बाला शौचालय पहुंची तो वहां शौचालय की बदतर हालत देखकर भड़क गई। इस पर जब उन्होंने एसडीओ सुरेंद्र खट्टर से जवाब मांगा तो एसडीओ ने सरेआम मेयर के साथ दुर्व्यवहार किया और बीच में ही मेयर को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। दरअसल मेयर एसडीओ से सवाल पूछ रही थी कि आखिर रोजाना सफाई के बावजूद शौचालय इतने गंदे क्यों पड़े हैं और आम लोग परेशान क्यों हो रहे हैं। इस पर एसडीओ साहब मेयर पर ही भड़क गए और उन पर आरोप लगाने लगे। वहीं मेयर सुमन बाला ने पूछा कि लाखों रुपए की लागत से जो शौचालय का एक सेट बनाया गया है उसमें अभी तक पानी का कनेक्शन क्यों नहीं तथा सीवरेज व्यवस्था भी बदहाल है। ऐसे में लाखों रुपए इन शौचालयों पर खर्च करने का क्या औचित्य है, जिसका जवाब देने के बजाय नगर निगम के एसडीओ सुरेंद्र खट्टर, अगर हम 50,000 रुपए एक मोटर के ऊपर और एक पानी के सिस्टम पे लगा देते हैं तो हम इसको तरीके से प्रेजेंट तो करते किसी के आगे, इसको आप प्रेजेंट नहीं कर सकते किसी के आगे, कोई लोग यूज नहीं कर सकता इसको। लोग यूज कर रहे हैं मैडम, लोग आप पार्षद, आप पार्षद जी को बुलाइए, आप पार्षद साहब को बुलाओ। खट्टर जी ये वो यूज कर रहे हो जिनकी बहुत मजबूरी होगी ना, ये वो यूज कर रहे हो मजबूरी में, पानी का कोई सिस्टम नहीं है, पानी का सिस्टम पानी को कैसे डाल के 7.5 लाख रुपए हम स्मार्ट करने जा रहे हैं, ये तीन टप्पर रखा हुआ हमने साथ में, अरे भाई पानी मतलब मेरे को सीधी सी बात बताऊँ, हम 7.5 लाख रुपए इस पे खर्च कर रहे हैं और हम पानी का सिस्टम एक 10-20 लाख रुपए का कोई पाइपलाइन या कोई सिस्टम हम नहीं दे रहे, इतने तो खर्चा आएगा लाइन लेने में, पानी की लाइन तो हमारी है ना, आंखें दिखाने लगे। वहीं मेयर ने ऐतराज जताया तो उन्होंने मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत करने की नसीहत दे डाली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए शौचालय की हालत खस्ता है। इस मामले में जब मेयर सुमन बाला से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमानी इतनी हावी हो गई है कि जब उनसे उनके कार्यों पर सवाल किया जाता है तो वह इस तरह सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत करेंगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण करवाया गया है, लेकिन जब वे निरीक्षण करने पहुंची तो एसडीओ उनसे बदतमीजी करते हुए बीच में ही छोड़कर चले गए। मैडम सरदार जसवंत सिंह से पूछ रहे थे आप? मैं किसी से नहीं पूछती, मैं तो इनका रिजल्ट बता रही हूँ कि ये देख लो जरा क्या है सिस्टम है इनका, तो देखो तो परवाह जरा नहीं, मैं तो भाई बहुत तंग हूँ इन चीजों से, रोज की बातें सुन सुन के। फरीदाबाद से राजेंद्र दैया की रिपोर्ट।